नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या होता है, इज इट अ क्राइम इन इंडिया, क्या सुसाइड इंडिया में क्राइम है, और यदि क्राइम है तो आखिर किस लॉ में ये दिया गया है। यदि हम लॉ की बात करते हैं तो सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिर सेक्शन 309 क्या कहता है। उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस लॉ इज बेस्ड ऑन। यह जो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है जिसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में बताया गया है, आखिर ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कुछ न कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ न कुछ रीजनिंग होगा, आखिर क्या इसका रीजनिंग है, क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज हंगर स्ट्राइक एन अटेम्प्ट टू सुसाइड। कई बार आपने देखा होगा कि जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं, तब तक मैं भूख हड़ताल करूंगा, और यदि इसमें मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं। तो क्या इस तरीके के हंगर स्ट्राइक को अटेम्प्ट टू सुसाइड का दर्जा दिया जा सकता है, क्या लॉ क्या है इसके ऊपर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम कुछ कोर्ट केसेस देखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया का, जिसमें सेक्शन 309 के बारे में बताया गया हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुसाइड एज सच इज नो क्राइम अंडर द आईपीसी। आईपीसी के अंदर सुसाइड एज सच इज नो क्राइम, कोई भी क्राइम नहीं है। तो आखिर क्या है क्राइम, हम इसको देखते हैं। इट इज ओनली अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड दैट इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी। तो सुसाइड इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, बट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में बोले तो ये कहता है कि इट इज ओनली व्हेन अ पर्सन इज अनसक्सेसफुल इन कमिटिंग सुसाइड द कोड इज अट्रैक्टेड। तो कहता है यदि आप सुसाइड कर लेते हैं और आपकी डेथ हो जाती है तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं और आप बच गए किसी न किसी रूप पे, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 309 अट्रैक्ट होगा और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सेक्शन 309 को हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम इस सेक्शन में जाते हैं तो ये कहता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, और उसके बाद ये कहता है हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड एंड डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस शैल बी, यहाँ फिर से शैल यूज किया गया है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो बिल्कुल बड़े ही साफ शब्दों में ये कहता है कि यदि आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करते हैं और उसके बाद आपकी जान बच जाती है किसी न किसी रूप, तो आपको एक साल तक की सजा हो सकती है, या फिर फाइन किया जा सकता है, या फिर जज साहब का यदि मूड हुआ तो फाइन प्लस सजा दोनों हो सकता है। यदि हम इस लॉ के बारे में और जानकारी एकत्रित करें तो ये कहता है कि दिस ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब ये हुआ कि ये संज्ञेय अपराध है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि यदि इस तरीके का अपराध होता है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा आपको अरेस्ट करने के लिए, पुलिस आपको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद कहता है कि ये वेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल दिया जा सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात इस ऑफेंस के लिए है, ये कहता है कि दिस ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल, मतलब आप इस ऑफेंस में समझौता नहीं कर सकते हैं। समझौता यूजुअली किया जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, लेकिन इस ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल बना दिया गया है, मतलब ये हुआ कि आप समझौता नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि द लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइव्स ऑफ मैन आर नॉट ओनली वैल्यूएबल टू देम but also to the state which protects them. The state is under an obligation to prevent person from taking their life as it prevent them from taking the lives of others. ये कहता है कि आपका जो लाइफ है ये सिर्फ आपका संपत्ति नहीं है, यह स्टेट का भी संपत्ति है, और इसीलिए आप बिना स्टेट के परमिशन से आप खुद का लाइफ नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि अटेम्प्ट मस्ट बी इंटेंस। इसमें अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि हर एक अटेम्प्ट जो सुसाइड के लिए किया गया हो, क्या हर एक ऐसा अटेम्प्ट में पनिशमेंट दिया जाएगा क्या? तो आंसर इज नो, ऑल अटेम्प्ट्स मस्ट नॉट बी पनिश्ड, ओनली दोज अटेम्प्ट्स आर पनिश्ड व्हिच आर इंटेंशनल इन नेचर। मतलब यह हुआ कि यदि आप वैसा अटेम्प्ट करते हैं, जानबूझकर अटेम्प्ट करते हैं, जानबूझकर मरने का प्रयास करते हैं,
तो ये चीज जो है पनिशेबल है। यदि गलती से आप जहर पी लेते हैं या गलती से कुछ और काम कर लेते हैं जिससे आपकी बॉडी को डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ओनली दोज अटेम्प्ट्स विच आर इंटेंशनल इन नेचर, उसी में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये कहता है द एसेंस ऑफ सुसाइड इज एन इंटेंशनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, बाय मिस्टेक सुसाइड इज नॉट पनिशेबल अंडर दिस कोड। यदि आप मिस्टेक से करते हैं तो नहीं होगा। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे पॉइजन बाय मिस्टेक, यदि गलती से आप क्या करते हैं जहर पी लेते हैं, आपको लगा कि ये शरबत है और आप उसको पी गए, या गलती से आपके खाना में पड़ गया है, कुछ इस तरीके की बातें हुई जहां पे आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि इसमें आपका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था मरने का, आपने गलती से किया है, तो दिस अटेम्प्ट इज नॉट एन अटेम्प्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 309 ऑफ IPC। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो और गलती से एक कुएं में गिर गए जिसके कारण आप मरते मरते बच गए, और उसके बाद स्टेट आप पे सेक्शन 309 इनवोक कर दिया, अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस दर्ज किया, तो आप कोर्ट में बताएंगे कि साहब ये मेरा इंटेंशनल अटेम्प्ट नहीं था, गलती से हो गया, अनइंटेंशनल है। और जैसे ही यह बात आप प्रूव करेंगे कोर्ट में, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यह बात हमें समझना होगा कि यह जो अटेम्प्ट की बात हम कर रहे हैं सेक्शन 309 में, दैट अटेम्प्ट मस्ट बी इंटेंशनल इन नेचर। यदि अनइंटेंशनल अटेम्प्ट, वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि इज हंगर स्ट्राइक एन अटेम्प्ट टू सुसाइड, हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक केस है राम सुंदर वर्सेस स्टेट, AIR 1962, अलाहाबाद हाईकोर्ट का है 262। यदि हम इस केस के बारे में बात करें तो इस केस में कहा गया है कि इफ अ पर्सन ओपनली डिक्लेयर्स दैट ही विल फास्ट अनटू डेथ एंड देन प्रोसीड टू रिफ्यूज ऑल नरिशमेंट अंटिल द स्टेज इज रीच्ड व्हेन ही मे कोलैप्स एनी मोमेंट, then there is imminent danger of death ensuing and he would be guilty of an attempted suicide under section 309 of IPC. ये कहता है कि यदि person यह declare कर रहा है, बार बार यह बोल रहा है कि हम तक भूख हड़ताल पे रहेंगे जब तक मेरी जान नहीं जाती है, उसको हम हिंदी भाषा में आमरण अनशन बोलते हैं कि जब तक मर नहीं जाए तब अनशन पे रहेंगे, वो कुछ भी नहीं खाएंगे, तो obvious सी बात है यहाँ पे intention बिल्कुल clear है, यह खुद को मरने का प्रयास कर रहा है, इसमें इस बंदे का डेथ हो सकता है और इसीलिए यह सेक्शन 309 के अंदर आता है। तो यदि आप हंगर स्ट्राइक करते हैं और उसमें यदि आमरण अनशन करते हैं, फास्ट अनटू डेथ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सेक्शन 309 इनवोक हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। यदि हम कोर्ट डिसीजंस को देखते हैं तो हमारे पास दो तरीके के डिसीजंस मिलेंगे आपको सेक्शन 309 पे जो कि सुसाइड से डील करता है। इसमें कुछ ऐसे कोर्ट हैं, कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि सेक्शन 309 इज नॉट अ गुड लॉ एंड देयरफॉर इट मस्ट बी रिपील्ड, इट मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम द लॉ बुक, जिसमें कई हाई कोर्ट्स ने ऐसा निर्णय दिया है। लेकिन इसके विपरीत कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लॉ बुक। इसके बाद हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, जिसमें शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लॉ बुक, एंड सब्सिक्वेंट डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि सेक्शन 309 ऑफ IPC इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट शुड बी देयर विद इन द IPC। तो चलिए पहला केस है मारुति श्रीपति ड्यूबल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987 का है, CRLJ 743 बॉम्बे हाईकोर्ट का है। इसमें क्या हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें द पिटिशनर अ पुलिस कांस्टेबल हु बिकेम मेंटली इल आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 309 IPC फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड बाय पोरिंग किरोसिन ऑन हिमसेल्फ एंड बाय ट्राइंग टू लाइट हिज क्लोथ्स वाज प्रिवेंटेड एंड प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 309 IPC। तो इस केस में क्या हुआ कि एक पुलिस कांस्टेबल साहब थे, उन्होंने अपने ऊपर किरोसिन छिड़क लिया और उसके बाद अपने आप को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरीके से उनको बचा लिया गया और उसके बाद सेक्शन 309 उन पे लगा दिया गया कि यह पुलिस ऑफिसर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कर रहा है, विच इज एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 309। यह केस बॉम्बे हाईकोर्ट का है, तो देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें क्या किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 309 IPC एज अल्ट्रा वायर्स वाइड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर्स एंड देयरफॉर इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ। The court said that
राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ एज वेल एज राइट टू एंड वंस लाइफ इफ वन सो डिजायर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में क्या हुआ कि इनको छोड़ दिया गया और कहा गया कि सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। यदि आप इस केस में जस्टिस पीबी सावंत का दिया गया बात यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये कहते हैं कि दोज हु मेक द सुसाइड अटेम्प्ट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर रिक्वायर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड नॉट कन्फाइनमेंट इन द प्रिजन सेल वेयर देयर कंडीशन इज बाउंड टू बी वर्सन लीडिंग टू फर्दर मेंटल डीरेंजमेंट। ये कहते हैं कि वैसा बंदा जो सुसाइड करता है मेंटल डिसऑर्डर जिनके पास है और जिसके कारण वो सुसाइड करता है ऐसे लोगों के लिए साइकेट्रिक क्लिनिक सबसे अच्छा ऑप्शन है ना कि जेल। उसके बाद ये कहते हैं कि दोज ऑन द अदर हैंड हु मेक अ सुसाइड अटेम्प्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूट फिजिकल एलिमेंट इनक्यूरेबल डिजीज टॉर्चर ब्रोकन डाउन बाय इलनेस डिक्रिप्ट फिजिकल स्टेट इंड्यूस्ड बाय ओल्ड एज और डिसेबलमेंट नीड नर्सिंग होम एंड नॉट प्रिजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग द अटेम्प्ट अगेन। इसमें भी फिर से क्लियर कहते हैं कि यदि कोई बंदा कोई फिजिकल प्रॉब्लम है इनक्यूरेबल डिजीज है और टॉर्चर के कारण वो करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे लोगों के लिए नर्सिंग होम चाहिए ना कि आप इसे जेल भेज दीजिए। तो यह लॉजिक दे करके इस केस में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इन्होंने लास्ट में कहा है कि दस इन नो केस डज द पनिशमेंट सर्व द पर्पस एंड इन सम केस इट इज बाउंड टू प्रूव सेल्फ डिफीटिंग एंड काउंटर प्रोडक्टिव एंड देयरफॉर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है स्टेट वर्सेस संजय कुमार 1985 का केस है CRLJ 931 दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इस पार्टिकुलर केस में एक यंग बॉय ने जहर पी लिया था पॉइजन ले लिया था और उसके बाद उस पे सेक्शन 309 इन्वोक किया गया। तो इस केस को डील करते हुए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाइल एक्विटिंग अ यंग बॉय हु अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड बाय कंज्यूमिंग पॉइजन स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर डिलीशन ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी एंड द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द कंटिन्यूएंस ऑफ सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज एन एनाक्रोनिज्म अनवर्दी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी लाइक आवर्स। Instead of sending the young boy to the psychiatric clinic, society gleefully sends him to mingle with the criminals. ये कहते हैं एक तो बंदा अभी जस्ट सुसाइड करके उभरा है उसके पास मेंटल स्ट्रेस है बहुत सारी चीजें हैं और उसके बाद आप उसे ऐसे जगह भेज रहे हो जेल में भेज रहे हो जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स ऑलरेडी होंगे तो वहां पे जाकर किसी भी कीमत पे उसकी मानसिक दशा सही नहीं हो सकती एंड देयरफॉर उसे क्या करना चाहिए उसे आप जेल में मत भेजो उसे आप मेडिकल केयर में भेजो उसे आप साइकेट्रिक क्लिनिक में भेजो। ये कहते हैं कि मेडिकल क्लिनिक्स आर नीडेड फॉर सच सोशल मिसफिट्स बट पुलिस एंड प्रिजन ने वो कहते हैं कि इसे आप मेडिकल क्लिनिक में ले जाओ उसका जांच कराओ उसको सही करो और फिर से सोसाइटी में लाओ ना कि आप पुलिस और जेल में जेल के चक्कर इनको कटवाओ। तो इस तरीके की बातें की गई लेकिन उसके जस्ट बाद यदि हम चेन्ना जगदेश्वरा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1988 का केस देखते हैं जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सेक्शन 309 को अफेल्ड किया और कहा कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अफेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी एंड रिमार्क दैट राइट टू लाइफ डज नॉट नेसेसरली सिग्निफाई अ राइट टू डाई विच इज एन ऑफेंस। ये कहते हैं कि राइट टू लाइफ आपके पास बट इट डजंट मीन that right to life includes right to die. ये कहते हैं कि right to life में right to die included नहीं है and therefore आप अपने मर्जी से खुद की life नहीं ले सकते हैं। और फिर से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कंसर्वेटिव व्यू ले लिया और इसीलिए एक कंफ्लिक्ट का सिचुएशन आ गया जहां पे कुछ हाईकोर्ट ने सेक्शन 309 को डिलीट करने की बात की लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसे हाईकोर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि दिस इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। और यही कारण है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में पहला जो केस था पी राथीनाम नागभूषण पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 SC 1844। तो इस केस में क्या हुआ हम देखते हैं। ये डिवीजन बेंच का केस था मतलब दो जज इसमें सुनवाई कर रहे थे। इस केस में यह डील किया गया कि डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल अलाइंग द पिटिशनर अफेल द बॉम्बे एंड दिल्ली कोर्ट्स वर्डिक्ट एंड ओवर रूल द आंध्र प्रदेश रूलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर किया और कहा
कि जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय था जिसमें 309 को वो हटाने की बात कर रहे थे, डिलीट करने की बात कर, वो बिल्कुल सही कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, आंध्र प्रदेश कोर्ट का जो निर्णय जिसमें ये कहा गया कि सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इसको क्या किया, इन्होंने ओवररूल किया। तो शुरुआती दौर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही नहीं है लॉ में। लेकिन उसके जस्ट बाद हम एक दूसरा केस देखते हैं जो है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1996 SC 1257। इस केस में पी रतिनम नागभूषण पटनायक का जो केस है वो ओवररूल कर दिया गया। और यह जो केस है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेज होते हैं, जबकि इससे पहले वाला जो केस था पी रतिनम का वो डिवीजन बेंच का था, उसमें 2 जज थे। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि 5 जज इस केस में देख रहे हैं तो इसकी महत्ता ज्यादा होगी। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या किया कि इट हैज ओवर रूल्ड इट्स डिसीजन ऑफ 1994 इन पी रतिनम केस। द कोर्ट हेल्ड दैट एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। इन्होंने आर्टिकल 21 को आधार बनाया और इन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई और राइट टू बी किल्ड, एंड देयरफॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अंडर सेक्शन 309 IPC और इवन एन एवेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर 306 IPC आर वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स एंड आर नॉट वाइड और अल्ट्रा बायस। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सेक्शन 309 जिसमें आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करते हैं और सेक्शन 306 जिसमें एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करते हैं, जिसमें एक बंदा दूसरे को सुसाइड करने के लिए उसकाता है उसकी बात करते हैं, वो दोनों जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। द राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी कैनॉट बी कंस्ट्रूड टू इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ एट लीस्ट बिफोर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सर्टेन डेथ। और इस तरीके से कुल मिलाकर के बाद में 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय दिया कि सेक्शन 309 कॉन्स्टिट्यूशनल है और यदि कोई बंदा इस तरीके का प्रयास करता है जिसमें वह खुद का लाइफ को खत्म करने का प्रयास करता है तो वह एक ऑफेंस माना जाएगा। इसीलिए आज भी सेक्शन 309 ऑफ IPC इज वेरी वैलिड इन द IPC, यू कैन फाइंड इट इन द IPC इटसेल्फ। ये तो रहा कोर्ट का स्टैंड, लेकिन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उसके बारे में भी हम कुछ संक्षेप में चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट ने कई बार ये कहा कि सेक्शन 309 को वो डिलीट करेंगे, वो खत्म कर देंगे पार्लियामेंट के माध्यम से एक्ट ला करके या अमेंडमेंट करके IPC में, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हाँ, उन्होंने एक काम किया, एक नया एक्ट आया था मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 का यह एक्ट है, उसमें इन्होंने क्या किया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक तौर पे सही नहीं है, मानसिक तौर पे असंतुलित है और यदि ऐसे असंतुलन में सुसाइड करने का प्रयास करता है तो वह सुसाइड सेक्शन 309 से रेगुलेट नहीं होगा। उसमें हम क्या करते हैं, एग्जम्पशन देते हैं सुसाइड करने वाले को, ताकि यह प्रूव नहीं हो जाए कि उसका मेंटल सिचुएशन बिल्कुल रोबस्ट था, बिल्कुल सही था। तो इस तरीके का कुछ न कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके का लॉ जो IPC में दिया गया है इसको हटा दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि एक तो बंदा मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है, परेशानी का सामना करता है और उसके बाद ये सुसाइड करता है, और ऊपर से यदि वह बच गया तो क्या होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि सुसाइड करने वाले इतने खतरनाक तरीके से करते हैं कि उन्हें बचा पाना मुश्किल होता है, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इमिनेंट डेंजर ऑफ लाइफ है, एक तो ये बात है। लेकिन इसके विपरीत एक और बात है कि आज के डेट में बहुत छोटी छोटी बातों पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें घर से, पेरेंट्स से बच्चे ने कुछ पैसा मांगा और पैसा का रकम 200-500 रुपया है, पेरेंट्स ने मना कर दिया या डांट दिया, वो बंदा सुसाइड करने के लिए चला गया। यदि मार्क्स कम आ गए सुसाइड करने के चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है इन छोटी छोटी बातों पे हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी बातें बहुत छोटी है और जिंदगी लाइफ इससे काफी बड़ी है।
तो इस छोटे से लेक्चर में आपने यह समझने का प्रयास किया है कि सुसाइड क्या होता है, इसके तमाम लीगल मॉडिफिकेशंस, लीगल डेवलपमेंट जो भी हुई है, चाहे वो कोर्ट में हो या गवर्नमेंट के द्वारा हो, इसे हम समझने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरीके की जानकारी आगे आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय।